guys, welcome back to my YouTube channel, Stay Tuned with Meg. I hope you all are doing good. So today guys, आज के मेरे vlog में हो रहा है पास्ता की recipe. Yeah, white sauce पास्ता की recipe. आप कहोगे कि मैंने पहले vlog बना चुकी हूँ, but नहीं. आज जो मैं बनाऊँगी उसका अंदाज ही कुछ अलग होगा. So आज मतलब मैं vegetables वाला पास्ता बनाऊँगी. वैसे तो यार मैं प्याज तो खाती नहीं हूँ, but कोई बात नहीं. So let's guys make pasta. तो मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप यही है कि पास्ता को बॉईल करो. तो वो बॉईल करने रख दिया है एंड अब देख सकते हैं. हाँ, बॉईल करने रख दिया. बस इसको बीच बीच में ऐसे मतलब कड़छी मारते रहना ताकि वो मतलब उसका मैदा जो है वो नीचे ना लग जाए. सो लेट्स गाइस स्टार्ट. चीज़ बताने लगी हुई है ना, ये देखो पास्ता के अंदर जैसे आप देख रहे हो ये ना सुसरी टाइप है. तो जब बॉईल करना है पास्ता तो उसको भी अच्छे से हमने बॉईल करना है ताकि ऐसे कुछ मतलब हो ना उसके अंदर जो हम खा जाएं. तो अभी अभी एक और मैंने निकाल लिया वहाँ पे और अभी ये देख लो आप, तो इसलिए ध्यान रखना. गाइस हम एक पैन ले लेंगे. सबसे पहले गैस ऑन करेंगे. गैस ऑन करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 स्पून रिफाइंड ऑयल. 1 स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया इसमें. जब हम इसमें मतलब 1-2 चम्मच बटर डाल लेंगे और इसको मिक्स करेंगे. और हमारी गैस होगी थोड़ी सी लो फ्लेम पे. गाइस अब हम 1 स्पून इसमें डालेंगे मैदा, जो कि कितनी देर बाद मिला हमें. इधर पक्का चला दें थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. गैस हमारी सिम पे ही रहेगी. सो गाइस इसमें हमें गार्लिक डालना था, गार्लिक मिला नहीं मेरे को, तो इसलिए हमने गार्लिक पेस्ट डाल दिया. अब इसमें हम 1 कप मिल्क डालेंगे. डालने लगे बाजू हो गया ना 1 कप. क्रम्स ना पड़े, मतलब वो जो रहते हैं मोटे मोटे. थोड़ा सा और दूध डाल लेंगे इसमें हम. 1 कप ही डालना है वैसे तो. थोड़ा सा मैदा हमें कम लग रहा है ग्रेवी डालने के लिए थोड़ी सी, तो हम मैदा थोड़ा और डाल लेते हैं. साथ साथ थोड़ा दूध ऐड कर जाएंगे. साथ साथ इसको मिक्स कर जाएंगे. तो गाइस अब इसमें हम डालेंगे 1/2 स्पून ऑरिगैनो. अगर आपको मिर्च मसाला थोड़ा ज्यादा चाहिए ना तो फिर आप मतलब ज्यादा डाल सकते हो. सारा सामान बाहर रखना, नहीं तो आपको मेरे से दिक्कत आनी है. ये हमने ऑरिगैनो डाल दिए. इसके बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स. थोड़े से ज्यादा कर लेना, चुप नहीं रहा. अब इसको मिक्स कर लेंगे गाइस. गाइस हमारी ये ग्रेवी मतलब रेडी हो रही है. अब इसमें हम डालेंगे 1/4 स्पून शुगर का और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से. व्हाइट सॉस पास्ता है ना, तो उसी हिसाब से फिर ये इसमें सारा मटेरियल डलेगा. आप देख सकते हो बस स्वाद बन जाए. अब हम इसमें नमक वगैरह सारा ऐड करेंगे. डालेंगे 1/4 स्पून काली मिर्च. इसमें 1/4 स्पून काली मिर्च. इसके बाद हम डालेंगे 1/2 कटोरी मलाई की. वो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं. हमारी जो गैस है वो लो फ्लेम पे रहेगी, ठीक है. अब मलाई
हाफ कटोरी मलाई मतलब 4 स्पून आप कह सकते हो, मतलब 1, 2, 3 और 4. ठीक है, अब इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से ताकि क्रम्स ना पड़े। सबसे सही जा रहा है, सो लास्ट राइस हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून नमक। ठीक है, मतलब आधे से थोड़ा कम, 1/4, अंदर इसको मिक्स कर लेंगे। सो गाइस ये हमारी ग्रेवी रेडी है, कैमरा करी। सो गाइस ये हमारी ग्रेवी रेडी है। अब हम इसमें मतलब अलग से एक फ्राई पैन मतलब सब्जियां वगैरह को मतलब हम कर लेंगे बॉइल नहीं मतलब कर लेंगे तड़का जो भी होता है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां और पास्ता एंड में। ठीक है, सो आप धीरे धीरे देखी जाओ। ये हमारी मतलब वो ग्रेवी बन चुकी है, अब हम वेजिटेबल उसको डीप फ्राई करेंगे। सबसे पहले 2 स्पून हम रिफाइंड ऑयल लेंगे, गैस हम कर देंगे भाई सिम पे क्योंकि ये डांस कर रहा है, नहीं तो हमने डांस करना अलग करना है। हमने अपनी गैस लो फ्लेम पे रखी है, इसमें हमने 2 स्पून हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाले, फिर इसमें मैंने अनियन काट के डाले और कैप्सिकम एंड प्रॉन्स। प्रॉन्स आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी डालो, जिसको ज्यादा पसंद है वो ज्यादा डालो, जिसको नहीं पसंद वो मत डालो। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मतलब वेजिटेबल्स एड ऑन कर सकते हो, लाइक मशरूम भी आप कर सकते हो, रेड कैप्सिकम भी, येलो कैप्सिकम भी, मतलब आपकी मर्जी है, बस ये डीप फ्राई हो जाए देन आपको बताते फिर क्या करना। जो हमने मतलब वेजिटेबल्स को डीप फ्राई किया था उसको हम नई ग्रेवी में डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे गाइस डर लग रहा है कि मेरी जो ग्रेवी है वो पास्ता के लिए कम ना पड़ जाए। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि ग्रेवी कम है पास्ता ज़्यादा है तो मैं पास्ता कम क्वान्टिटी में डाल दूँगी। बस ये हमने गैस सिम पे रखी हुई अपनी, अब हमने जो ग्रेवी है वेजिटेबल्स मतलब कटली मिक्स कर दी है, अब हम इसमें 1/4 स्पून अगेन सॉल्ट डालेंगे गाइस। या सॉल्ट डाल दिया, अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे अपना जो हमारा बॉइल हुआ है। गाइस मेरा पास्ता रेडी है, इसमें चिली फ्लेक्स जिसने ऐड करने वो चिली फ्लेक्स ऐड कर सकता है, जिसने चिली ऑरिगेनोस ऐड कर लेंगे वो ऑरिगेनोस ऐड कर सकता है। सो देखते हैं सबके रिएक्शंस क्या होते हैं इस पे। स्वाद है, फिक्का तो नहीं है ना। चिली फ्लेक्स ऑरिगेनोस पाने हेलो ऑरिगेनोस पाने ना ना। ठीक है, व्हाइट सॉस है ना, फिर ग्यारह स्पाइस नहीं फिर सही हो जाएगा। अंकल सच्ची दस्यो लोग ना मैं हो गया चिली फ्लेक्स है ना, पिज्जे वगैरह के नाल पाउच मिलता ना, ते उत्ते पा के खा दे। सो गाइस कल मॉम डैड का बर्थडे था तो उन्होंने अगले दिन आज टेस्ट किया है। मॉम कमियां कमी गई है।
आपको जैसे मेरा ब्लॉग लगा लाइक से कमेंट जरूर करना और ऐसा पास्ता आप भी बना के अपने पेरेंट्स को खिलाना।